इवनिंग एंड सबसे पहले मैं बोल दूं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 75 इयर्स कंप्लीट हो चुका है हमारे आजादी का, तो चलिए आजाद देश में एक आजादी लाइफ लीड करते हैं। जो भी मन करे, अगर इलीगल ना हो तो वो सारे काम करे, वो सारे खुशियां लूटे जो कि हमें हक है। तो इस तरह से आज हम जा रहे हैं एक्चुअली बाहर डिनर करने। डिनर एक्चुअली नहीं, इवनिंग कॉफी विद डिनर, मतलब आप मिक्स एक बोल सकते हो। जब हम बैंगलोर में थे ना, तो हर एक स्पेशल डे पे हम बाहर जाते थे। सैटरडे संडे का रूटीन ही हमारे लिए कुछ अलग था। घर में कुछ अच्छा बनाते थे तो ठीक है, बाहर ऐसे ही घूम के आ जाते थे। उसके बाद अगर सिंपल कोई खाना बनता था सैटरडे संडे, तो क्या होता था कि हम बाहर घूमने के टाइम में जब वापस आते थे, उस टाइम में डिनर बाहर करके वापस आते थे। ऐसा ही बिल्कुल हमारा रूटीन रहा है शादी के बाद से ही। इवन जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम में भी वीक में दो टाइम हम बाहर का खाना खाते थे। जब मैं नहीं जा पाती थी तो ऑफिस से आने के टाइम में मिथुन मेरे लिए कोई ना कोई खाना लेके आते थे। तो इस तरह से हमारा रूटीन था। पर लास्ट एक डेढ़ साल से कोरोना की वजह से हमारा लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो फिलहाल तो हम सारे लोग अभी वैक्सीनेटेड है, हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ऑफिस एम्प्लॉयज सारे लोग, और स्पेशली आसपास के बहुत सारे लोग अभी वैक्सीनेटेड है। तो आई होप कि अभी हम थोड़ा सा बाहर निकल सकते हैं, थोड़ा सा आना जाना हमारा चालू रह सकता है। और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गाइस प्लीज अब वैक्सीन ले लो, ताकि खुद भी सेफ रहो, दूसरों को भी सेफ करो और हमें हमारा पहले का जिंदगी वापस मिले। और ये तोफिया रोड पे है, और जो एटमोस्फियर है बिल्कुल उसके ऑपोजिट नहीं, सॉरी उसके बगल वाले बिल्डिंग पे रूफटॉप है। तो अगर रियली आप एनवायरनमेंट को एंजॉय करना चाहते हो तो आप वहाँ पे जरूर जाना, पिक्चर में देखा है। और जैसे कि आपको पता है कि कोलकाता के कई सारे फूड ब्लॉगर्स हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उनसे हमें पता चलता है ये सारी जगह के बारे में। वो जगह पे मैं जाती हूँ ताकि मेरे ब्लॉग में आपको भी कुछ ऐसी कुछ चीजें देखने को मिले। और अगर आप भी जाना चाहते हो फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, अगर कहीं पे थोड़ा सा अच्छा एनवायरनमेंट पे एक कप कॉफी पीना चाहते हो या डिनर करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। इसलिए इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत जो भी मुझे बताए वो आपको देने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद ना मैं आपके साथ बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से यहाँ पे टेबल मिला है और यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं चलता। अगर आप एट पीपल हो, एट एक साथ आते हो, तो बड़े बड़े जो टेबल्स है वो बुकिंग होता है, यहाँ पे जो छोटे टेबल्स है वो बुकिंग नहीं होता। वो आपको किस्मत है, इसलिए कॉर्नर पे हमें बैठने का मन था वो हम बैठ नहीं पाए। तो बाय द वे जो भी हो, एक छोटा सा टेबल फिर भी हमें मिल गया, पर पीछे से कोई मुझे देख रहा है। यहाँ का इस फ्लोर का जो मैनेजर है देवाशीष बाबू, बहुत अच्छे इंसान है। जब भी हमने रिक्वेस्ट किया इस कॉर्नर में बैठने के लिए, तभी उन्होंने यहाँ पे हमें शिफ्ट कर दिया था। पर कॉर्नर सीट का प्रॉब्लम ये है कि आप जल्दी अगर आते हो तो आपको मिल जाएगा, अगर देर से आते हो ये रिजर्व नहीं होता। जबकि रिजर्व नहीं होता तो हमने देखा कि ये टेबल खाली हो गया। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की, तो मिथुन ने रिक्वेस्ट की तो हमें ये कॉर्नर का सीट मिल गया। थैंक यू सो मच देवाशीष बाबू, अगर आप ये वीडियो देख रहे होते तो उनको मैंने थैंक यू भी बोल दिया। एंड रियली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही हमें चाहिए। टॉप में आप जा सकते हो, एटमोस्फियर का भी नज़ारा देखने को मिलता है, और एकदम टॉप में जाके आप वीडियो कर सकते हो, थोड़ा सा फोटो वोटो खींच सकते हो। ये आपको अभी कैसा लग रहा है, मैं जो आपको यहाँ पे लेके आई हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है ना, माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया। ऑब्वियसली कितने दिनों बाद। और आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के लिए, या ब्लू लगून पीने के लिए? ब्लू लगून के लिए। हाँ, वो तो पता है। तो आ गए आर्यन के चॉइस का खाना, और आर्यन के चॉइस हमेशा होता है कोई ना कोई ड्रिंक और उसके साथ पिज्जा। पूरा चीज खाओगे? एक पीस ले लेंगे, एक पीस ले लेना। और मैं कुछ सलाद ऑर्डर किए, वो पहले आ जाए, उसके बाद खाना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ का सलाद बहुत अच्छा होता है, मतलब मुझे लगता है।
यहाँ पे अगर आप आते हो ना तो वैसे मीट बॉल ज़रूर खाना, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। माइंड ब्लोइंग व्यू है, ये है एकदम टॉप जहाँ पे हम बैठे हुए थे, वो था वो जगह। अभी भी आर्यन बैठा हुआ है वहाँ पे, आर्यन बैठा हुआ है, आर्यन को नहीं आना। यहाँ से सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ मतलब पूरा कोलकाता नहीं पर एटलीस्ट इस एरिया में जो जो सारी चीजें हैं, जैसे कि द 42 नहीं, मुझे पता है, पर जब हमारे उस रोजडेल से दिखाई देता था तो यहाँ पे आसपास कहीं से होगा, पर जो भी है यहाँ पे एटमोसफियर, हाँ वो एटमोसफियर है। वहाँ पे अर्बना शुभश्री एंड राज चक्रवर्ती, ये कोई नया बिल्डिंग काफी अच्छा लग रहा है गाइस, पर जो भी हो बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रहा है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है ये जगह। आप ज़रूर आना, एक बार ट्राई ज़रूर करना, अगर आप अपने कपल के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड शांति से बिताना चाहते हो तो इस जगह पे ज़रूर आना। बिल्कुल रोड साइड पे है, पर एक चीज़ है, रोड का जो नॉइज़ है ना कुछ भी यहाँ पे नहीं आता, बहुत ही कम आता है, रेयर, आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी फील नहीं होगा। पार्किंग, फ्री पार्किंग, काफी सारे कार एक साथ आ जाता है तो आप निश्चिंत होकर यहाँ पे आ सकते हो, आपके कार को लेके भी कोई टेंशन नहीं है, पर टेंशन है मेरे ड्रेस को लेके, क्योंकि मेरे ड्रेस सीट बेल्ट से खराब हो चुका है, इसलिए अभी सामने बैठ रहा है आर्यन और पीछे मैं। आज नेक्स्ट डे फिर से इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल रात आने के बाद एक वीडियो मुझे एडिट करना पड़ा और कहीं पे जाओ उसके बाद टायर्डनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, पर इस टायर्डनेस में भी मैंने ब्लॉग एडिट किया आपके लिए ताकि आज मैं एक ब्लॉग आपके लिए पोस्ट कर पाऊँ। मतलब जो भी है अभी चाय के साथ शुरू करते हैं, अच्छे सुबह, और अभी चाय पी के हम जाएंगे, कोई वेट करे हमारे लिए नीचे, एक्चुअली हमें ड्राइवर की ज़रूरत है तो किसी को बुलाया है, उनके साथ एक टेस्ट ड्राइव करना है, नई कार के लिए भी लोग टेस्ट ड्राइव करते हैं और नए ड्राइवर के साथ भी लोग टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि अगर वो ठीक ठाक है तो हम रख लेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि जब भी आप कोई ड्राइवर रखो ना तो सबसे पहले हमें लगता है इस चीज़ पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए कि उनका दिमाग थोड़ा सा धीर स्थिर हो, उनका दिमाग थोड़ा शांत हो, रोड पे सही डिसीजन ले सके, ना कि रोड में जाके कोई अगर कार है तो उसे टक्कर देने लग गए तो चलो उससे पहले हम जाएंगे, ऐसे ड्राइवर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा एजेड है, लगभग 50 इयर्स ओल्ड होगा ना, 50 के आसपास, लगभग 50 के आसपास उनका एज होगा, तो आई थिंक थोड़ा सा शांत से सारे डिसीजन लेंगे, रोड पे चलाना वगैरह वो सब होगा, जबकि हमारे पास एक ही कार है तो यही प्रॉब्लम हो गया है, जब मिथुन ऑफिस जाते ना तो मैं कहीं जा नहीं पाती, या तो ओला बुक करना पड़ेगा तो वो खर्च बहुत ज्यादा आ जाता है, तो इससे अच्छा है कि मिथुन को भी ऑफिस छोड़ दे, मुझे अगर कहीं जाना है तो मैं भी वहां पे जा सकूं, तो ये सब चीजों के लिए एक्चुअली रखा है, नहीं तो बहुत दिन हो गए ड्राइवर नहीं था। एक चीज मुझे कहना है, मुझे बहुत लोगों ने बोला ड्राइवर लग्जरी है तुम खुद चलाओ, बट मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि आज के डेट में हम 6 एम्प्लॉइज होगा ये ड्राइवर होने से, तो एटलीस्ट 6 एम्प्लॉयमेंट हम तैयार कर पाए, गॉड की कृपा से, भगवान की कृपा से इंडिया में हमारा एटलीस्ट ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि 6 एम्प्लॉइज को हम एम्प्लॉयमेंट दिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जरूर, जो हमारे लिए काम करते हैं उनको भी काम की जरूरत होती है, तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा खाओ तो दूसरों को भी थोड़ा सा खिलाओ, मेल बांट के खाओ, आपका भी काम हो रहा है उनका भी काम हो रहा है, अच्छी बात है। अभी हम लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, पर लिफ्ट लगता है कि लिफ्ट ऑन होगा, हाँ लिफ्ट चल रहा है ना। तो जो हमने फैसला किया है कि ठीक ठाक ही है, एजेड है, पर एजेड पर्सन ना हमेशा अच्छे से काम करते हैं,
पर एक चीज का मुश्किल है कि रोड में बहुत टाइम निकल जाएगा क्योंकि इतना स्लो चलाते हैं। पहले वाला आपने छुड़ा दिया कि इतना फास्ट चलाते थे, सामने वाला जो कार है ना उसके साथ हम टक्कर लेते थे। एक दिन तो नील बत्ती कार के साथ उसने टक्कर लगा दिया, वो भी इलेक्शन से पहले। मिथुन बहुत डर गए थे कि ये सब कोई रोड में करता है क्या, थोड़ा ज़्यादा ही स्लो चलाता है। उनके एज के हिसाब से तो ठीक ही है, पर इतना अगर टाइम रोड में निकल जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना ऑस्कर को करना। तो हमने कहा है कि भैया थोड़ा सा जल्दी, मतलब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, एटलीस्ट 50-55 में तो चलाना चाहिए ना, पर वो 40 में चला रहे थे। हाईवे में 55 और नॉर्मल रोड में 50, इतना तो होना ही चाहिए। देखते हैं, 2-4 दिन जब तक कोई प्रैक्टिस ना करे तब तक दूसरे के कार में अपना हाथ सेट नहीं होता, तो हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।